बस बहुत हुआ तेरी बकवास। पान दो बाप को भी बेटे के साथ तोप के मुंह में। देखते हैं आज ये किसकी छाट उखाड़ता है। पान दो इसे तोप के मुंह में और देखने दो पूरी दुनिया को जेलर का इंसाफ। क्या इंसाफ है तेरा? तूने जितनी कुल्हार मारी है ना, उससे कई ज्यादा मेरी माँ ने मुझे सुनाई है, समझाई है। और शरीयत में लिखा है मरने वाला का आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, और तुझे इतना भी नहीं मालूम? इस नसीम खुल्ला के बाद तू अपनी आखिरी ख्वाहिश का हक खो चुका है बच्चे। पर है मेरे पाकिस्तान का कानून, पता क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? बेटा बाप से मिलना चाहेगा। तारा सिंह, बड़ी मौके पे आया है तू, बाप के सामने बेटे की कत्ल। मेरे 40 जवानों को मार कर गया था ना तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। कर्नल साहब, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, वो बेकसूर है। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नहीं, मेरी लड़ाई हर हिंदुस्तानी से है। बहुत जुर्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों के साथ, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। किसे आजादी दिलाओगे तुम? हिंदुस्तान मुसलमानों का है। हिंदुस्तान किसों का है? सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। और इन सब ने मिलकर आजादी की लड़ाइयां लड़ी है, कुर्बानियां दी है। अच्छा, और वो जो पाकिस्तान में तुमने बंगाली मुसलमान भाइयों को घुबरा करके बंदी सेना बनाया, उसका क्या? हमने कोई सेना नहीं बनाई, वो सब तुम्हारे जुर्मों का शिकार है। तुम्हारे सिपाहियों ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल कर दिया और औरतों पर अत्याचार किया। नहीं, सब झूठ है। और वो क्या है? 1 करोड़ सनातनी हिंदुस्तान में है। ओ, तुम्हारे ही लोगों ने दुनिया को दिखाने के लिए सेट किया है। झूठ बोलना बंद कर कर्नल, ये सियासी खेल बंद कर, मुसलमानों के लिए भगवान बनना बंद कर। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तुम्हारा ये सियासीपन तुम्हें भिखारी बना देगा, कटोरा लेकर घूमोगे और भीख भी नहीं मिलेगी। बस बहुत हुआ तेरी बकवास। पान दो बाप को भी बेटे के साथ तोप के मुंह में। देखते हैं आज ये किसकी छाट उखाड़ता है।